नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। अभी हमारे साथ कोरोना इस महामारी पर बात करने के लिए MLC गिरीश व्यास जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना पर राहत पाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है और उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इसके पहले जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तब कोरोना शहरों तक के सीमित था, लेकिन अब कोरोना ग्रामीण तक जा घुसा है। तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं और व्यास जी की क्या रणनीति है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस स्थिति से आज कोरोना चल रहा है और जिस स्थिति को जनता फेस कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरीके से कहिए तो ये युद्धजन्य परिस्थिति जैसी इमरजेंसी निर्माण हुई है। पहले परिवार में एकाधा कोरोना होता था, अब पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त है और अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग परिवार के लोग भर्ती हैं। जहाँ शहर में बेड उपलब्ध नहीं है, लोग बेड के लिए घूम रहे हैं, यहाँ से तुमसर तक का सफ़र करके आते हैं, तब भी बेड उनको मिल नहीं पाता। यानी दो दो ढाई ढाई दिन की वेट लिस्ट यहाँ चल रही है। और इन सब बातों के टाइम में ऐसा आता है कि पहले जो फेस हमारी गई कोरोना की, उसके जाने के बाद प्रशासन रिलैक्स हुआ। जहाँ जनता रिलैक्स हुई, वहाँ प्रशासन को लगा अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब प्रशासन ने कोताही बरती, काम की कमी की, ध्यान नहीं दिया, योजना नहीं की, नियोजन नहीं किया, किसी में भी आपस में समन्वय न रहा, न सरकार का प्रशासन से, न प्रशासन का जनता पर कोई अंकुश रहा। और इसके कारण क्या स्थिति निर्माण हुई कि एकाएक ये जो विस्फोट हमको दिख रहा है कोरोना का, ये उसके कारण हुआ। और इसको बचने के लिए जो व्यवस्था हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए वो करने में सरकार अधिकारी कमजोर साबित हुए और जिसके कारण आज हमको ये परिस्थिति देखनी पड़ रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको एक तो बेड्स बढ़ाने चाहिए, वेंटिलेटर जितने उस समय थे, नए कोई वेंटिलेटर सेंटर हमने बनाए नहीं। कोविड के जो सेंटर्स थे, हमने नया सेंटर कोई बनाया नहीं। आज नागपुर में 1000 बेड की हॉस्पिटल की नितांत आवश्यकता है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति की ग्रामीण में, जहाँ पर पेशेंट वहाँ पर कोविड सेंटर में पड़ा है, होम क्वारंटाइन है। एक एक गांव में अगर 400 की पॉपुलेशन का गांव है तो उस गांव में 300 लोग आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन है। क्या करेंगे ऐसी जगह? दो बेड, चार बेड, छः बेड, इतनी व्यवस्था है, वहाँ ऑक्सीजन की स्थिति नहीं, वेंटिलेटर तो कहीं नहीं है। और ये सब बातें अगर ध्यान में लेते हैं तो हमको लगता है कि हमको आर्थिक नियोजन करना चाहिए। और आर्थिक नियोजन करके हमने हमारे सारे सोर्सेस, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के सोर्सेस होंगे, जो प्रतिनिधियों के निधि के सोर्सेस होंगे, उसको हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सारा निधि हमको जो लगता है तहसील को वो देना पड़ेगा। मैंने नरखेड़, काटोल, कलमेश्वर, भिवापुर, उमरेड़, कुही, पारशिवनी, रामटेक, कामठी और ये सारे भागों का मैंने दौरा किया। चार विधानसभा क्षेत्र के सारे डॉक्टर्स से मैंने बात की जो जिला ग्रामीण रुग्णालय में काम करते हैं। उनका स्टाफ नागपुर में आ गया, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, उनके पास ऑक्सीजन देने की व्यवस्था नहीं है, मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। अच्छे से जो डॉक्टर्स वहाँ MBBS थे उनको बुला लिया गया नागपुर में, और वहाँ BAMS डॉक्टर दिए गए जो अनुभवी नहीं, जो पेशेंट को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो क्या ग्रामीण की जनता हवा में छोड़ दी जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जिन जिन कायदों का उपयोग, जिन जिन धाराओं का उपयोग हम कर सकते हैं वो सब करके प्राइवेट डॉक्टर्स हों, जो सेवानिवृत्त हो गए डॉक्टर्स, उनको सबको इमरजेंसी ड्यूटी पर बुलाना चाहिए और उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, उनको मानधन देना चाहिए, बड़ी राशि देनी चाहिए और जनता की सेवा करना ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। एडमिशन के बिना, ऑक्सीजन के बिना कोई ना मरे, इसकी चिंता करनी है। जो आशा वर्कर घर घर जा रहे हैं, जो शिक्षक घर घर जा रहे हैं, जो RT-PCR कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहाँ गाँव की भीड़ जमा हो रही है, वो लोग असुरक्षित हैं। उनके पास PPE किट नहीं, उनके पास एप्रन नहीं, उनके पास मास्क ठीक नहीं, सैनिटाइजर नहीं, उनके पास ऑक्सीमीटर्स नहीं है, स्टेथोस्कोप तक नहीं है।
ECG मशीन्स मांग रहे हैं, तो इन सारी बातें तो मैं मेरी निधि से ग्रामीण रुग्णालयों को दे रहा हूँ, उनके प्रस्ताव मैंने तहसीलदार से मंगाए हैं, मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया है, आप समय दें और स्पेशल रिक्वेस्ट करके, विशेष बात करके हमको ये सरकारी अस्पतालों के लिए देने के लिए हमारी निधि से मंजूरी दीजिए, इसमें प्रशासकीय मान्यता अर्जेंट दीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आने दीजिए, और 24 घंटे में अगर ये सैंक्शन मिलता है तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए लोग खड़े हैं, ताकि ग्रामीण की जनता थोड़ी सी संभले, वो संभलेगी तो नागपुर को लोड नहीं रहेगा और वहाँ पर उनकी सुविधा हो सकेगी, ये सब हमको करने की आवश्यकता है। सर, जैसे आपने कहा आपके पास इतनी सारी रणनीति है चीज़ों को लेकर के, और केंद्र सरकार का भी यही मानना है कि उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में उनके पास वैक्सीन है और वो हर राज्य को वैक्सीन पुरा रही है। अभी कुछ टाइम पहले, 5 या 6 दिन पहले मैंने डॉक्टर उदय बोधनकर हैं, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उनका एक लेख आया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा था ये चीज़ कि जिस प्रकार से देश में इलेक्शन किए जाते हैं, लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं इलेक्शन में वोट देने के लिए, तकरीबन 70-80% के आसपास लोग वोट डालते हैं जा करके, एक एवरेज अगर निकाला जाए, तो उसी प्रकार से अगर वैक्सीनेशन का भी काम कर दिया जाए, लोगों को वैक्सीन के लिए उस प्रकार से प्रेरित किया जाए, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और बताया जाए, 1 महीने का टाइम लीजिए, 1.5 महीने का टाइम लीजिए, आप जैसे चुनाव प्रक्रिया के लिए आप लोग टाइम लेते हैं सारी चीज़ों में, वैसे इसके लिए आप टाइम लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ऐसे लगाई जा सकती है। और उन्होंने इस चीज़ का एक ट्वीट और मेल जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्हें भी किया हुआ है, और उनके कान में ये बात जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अजय संचेती जी, उन्होंने डाली है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये तो कहना बिल्कुल उचित है, दुरुस्त भी है, पर एक बात ये भी जानना चाहिए कि हम यहाँ से बता सकते हैं, पर ग्रामीण में जो डॉक्टर्स और आशा वर्कर और हमारा जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, मैं जहाँ तक नागपुर के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में घुमा हूँ, आज ही मेरा दौरा पूरा होके मैं आया हूँ, तो मैंने पूरा पाया है 70% से लेकर 60% तक पहले स्टेज में सीनियर सिटीज़न को, वर्कर्स को, और 45 की जो एज की लिमिट थी वहाँ तक वैक्सीनेशन का काम 60-70% हो गया है। बीच में 2 दिन वैक्सीनेशन की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी, इसके कारण वो वैक्सीनेशन रुका था, पर मैं जहाँ जहाँ जाके बात कर रहा हूँ सब ने कहा है अगर हमको वैक्सीनेशन मिले 8 दिन में हमारा 100% पहला डोज हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, पूरे देश की चिंता हम बाद में करें, पहले हमारे घर की चिंता हम करें। आज ही हमने एक रथ निकाला है हमारे NGOs के माध्यम से कि वो नागपुर में घूमेगा और लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करेगा। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये काम हमारा स्टाफ बहुत अच्छा कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं डॉक्टर, आशा वर्कर, टीचर्स, ये जो काम कर रहे हैं, इनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ और उनके लिए समाधानी भी हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, पर उनके पास साधनों की कमी है। हमको नियोजन उसका करना है, जिसके लिए हमको कलेक्टर है, विभागीय आयुक्त हैं, पालक मंत्री है, माननीय प्रतिनिधि है, ये अगर उसका करते हैं तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर स्थिति आएगी। मेरा सारा जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से निवेदन रहेगा कि अपना एक बड़ा पैसा, हमारे राशि का बड़ा पैसा, एक नाली नहीं बनी तो चलेगा, एक रास्ता नहीं बने तो चलेगा, एक आधार लाइट्स नहीं लगे तो चलेंगे, पर आज लोगों का जीवन बचाना जरूरी है, और उसके लिए अगर हम निधि देना चाहें तो हमारी निधि को तुरंत सैंक्शन मिलना चाहिए और तुरंत वो एजेंसियां काम पे लगकर वहां की व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए, ये हमारा पहला कार्य है। ये अगर होता है तो मुझे लगता है जन जागरण चल रहा है और लोग बराबर पहुँच रहे हैं। मेरा सर अगला सवाल आपसे लॉकडाउन को लेकर के है, वो ये है कि राज्य सरकार किस असमंजस की स्थिति में बैठी हुई है और बनी हुई है। आज तकरीबन 3 दिन हो रहा है वो रोज़ बैठक का दौर चला रही है, और बैठक के दौर के बाद में आम जनता रोज़ ये वेट करती है कि 8 बजने वाला है, क्योंकि मोदी जी को देख करके वो भी आजकल 8 बजे आते हैं लाइव, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के CM, लेकिन उन्हें कुछ हल नहीं मिलता आम जनता को, कि कोई घोषणा नहीं हुई है, लॉकडाउन लग रहा है नहीं लग रहा है। वैसे तो पूरे नागपुर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर और किस प्रकार का लॉकडाउन लगने वाला है और किस प्रकार की असमंजस की स्थिति बनी हुई है राज्य सरकार के बीच में, ये बताएं। मुझे लगता है राज्य सरकार अपनी असफलताओं को, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की सारी बातें करती हुई दिख रही है। पहला हमने ये सोचना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विरोधी दलों से बात की,
उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के ज्येष्ठ मंत्रियों से बात की, उसमें जो स्थिति है वो क्या है, अजीत दादा पवार क्या कह रहे हैं, उनको भी असमंजस की स्थिति है, माननीय अशोक जी चौहान ने क्या कहा वो भी असमंजस है, वो भी लॉकडाउन की पूर्णता समर्थन में नहीं है। तो जब सरकारें और अलग अलग दल अगर उस बात को मान्य नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, उन्होंने अपनी टास्क फोर्स से बात कर ली, टास्क फोर्स कहता है 14 दिन का लॉकडाउन लगाओ, मुख्यमंत्री कहते हैं 7 दिन लगाऊंगा, ये सारी बातों के असमंजस में कोई तो भी निर्णय ठोस ये सरकार ने लेना चाहिए। सरकार किसकी प्रतीक्षा कर रही है? अगर लोगों को मदद नहीं देनी है तो सरकार वैसा कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो स्थिति है अब हमारे पास लॉकडाउन लगाने के बिना कोई पर्याय नहीं, लॉकडाउन लगा ले, और लॉकडाउन लग जाता है तो फिर जनता की जो रोज कमाकर खाने वाले हैं, ऐसे सारे व्यवसायिकों की चिंता सरकार ने पालक करके, मालक करके, पिता करके उठानी चाहिए। पहले उस बात का जवाब करें, उसका नियोजन करें, हॉस्पिटल में बेड बनाए और उसके बाद जो भी करना है वो करें। आज लॉकडाउन जैसी स्थिति है, फिर अलग से क्या करना चाहती सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। असेंशियल कमोडिटीज़ में उन्होंने किराना रख दिया, बेकरी रख दी, दूध रख दिया, मेडिसिन रख दी, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, पर बाकी चीज़ों की भी आवश्यकता है। ऑड एंड इवन क्यों नहीं करते हैं? हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, एक दिन ये खड़ा रहेगा, खुला रहेगा, एक दिन वो खुला रहेगा, ये क्यों नहीं करते? गाइडलाइन पहले से बनी है स्टैंड अलोन शॉप के बारे में, हम क्यों नहीं निर्णय करते? हम जो भी प्लानिंग करें वो नियोजन सरकार के इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री भी इस सरकार के अंदर बैठे हैं, अशोक जी चौहान हैं, पृथ्वीराज जी चौहान हैं, फिर इसमें क्यों चूक हो रही है? कुछ बात करें। हमने कहा है कि लॉकडाउन ये अंतिम निर्णय नहीं हो सकता, पहले जनता की व्यवस्था, पहले रोजगार की चिंता, और उसके बाद ही आप लॉकडाउन के बारे में निर्णय करें, ऐसा हमने कहा है। तुम्हारे पास बेड नहीं है और आप बोल रहे हो लॉकडाउन रखो, कैसे संभव? उसकी व्यवस्था पहले करो, ऐसी हमारी आपके माध्यम से मांग है। ये थे MLC गिरीश व्यास जी, जिन्होंने कहा कि ऐसे लॉकडाउन का निर्णय एकदम से नहीं लेना चाहिए और आम जनता को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, पहले उनकी व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद कोई भी कठिन निर्णय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। द न्यूज़ गैरेज नागपुर।